आज मेरा बाइक का सर्विसिंग है और अभी निकल रहा हूँ सर्विसिंग करने। बहुत लेट हो गया ये अभी तक। फिफ्टीन हंड्रेड एंड फाइव किलोमीटर चली है। टी वी एस अपाची 164 VBS6 मॉडल है मेरे पास, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो बहुत लेट हो गया इसीलिए निकलते हैं। तो इस बाइक का दो सर्विसिंग पहले हो चुके हैं, आज है थर्ड सर्विसिंग। शोरूम में 9 बजे से सर्विसिंग शुरू कर देती है और मेरा निकलते निकलते लगभग 10 बज गए, तो मुझे जल्दी जल्दी पहुंचना है ताकि मैं लाइन में ना खड़ी रहूं, नहीं तो बहुत टाइम वेट करना पड़ेगा। और ये रेल लाइन को क्रॉस करते हुए हम आगे बढ़े और ये देखो कैसे टुक टुक चल रहा है, पूरा रास्ता ब्लॉक कर लेता है। और ये हम आ गए हैं नेशनल हाईवे पे NH 34। अब बाइक को भगाने में बहुत मज़ा आएगा। लेकिन इस सर्दी में बाइक को भगाने में कितना तकलीफ होता है वो सिर्फ एक राइडर ही जान सकते हैं। यहाँ से हमें लेफ्ट लेना है। शोरूम लगभग पहुँच गए, ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से। और जैसे MSK भाई बोलता है पहुंच गई, वैसे हम पहुंच गई। और ये हम बाइक लगा दिया लाइन पे, अब वेट करना पड़ेगा। मेरी गाड़ी नंबर 5 पर खड़ी है, पहले क्लीनिंग होगा उसके बाद सर्विसिंग होगा, अभी वेट करना पड़ेगा। पहले वो 4 बाइक की सर्विसिंग हो जाएगा उसके बाद। यहाँ पर कुछ बाइकों का काम चल रहा है, सब लोग देख रहा है। बाइक को नहा धो के तैयार किया जा रहा है अगले पड़ाव के लिए। बाइक की सर्विसिंग शुरू हो गई है, लगभग 1 घंटा वेट करने के बाद मेरा नंबर आया और वेटिंग रूम में बैठकर वीडियो बना रहा हूँ। और मेरा बाइक का सर्विसिंग लगभग हो गया है। यहाँ पर टायर का हवा चेक कर रही है
हर जगह देर नहीं होगी। इस छोटू को देखो कैसे दिख रहा है मेरा कैमरा। शोरूम से आधे रास्ते आने के बाद मुझे पता चल रहा है कि मैंने अपना कैमरा ऑन नहीं किया, और यही सोचते सोचते आ गया कि कैमरा ऑन है। अब हमें ये रोड क्रॉस करना पड़ेगा। मेरे बाइकों का ये ऑफ रोडिंग हो गई। लगभग 2 घंटे वेट करने के बाद मेरा बाइक का सर्विसिंग हुआ। 2 घंटा मुझे वेट करना पड़ा। एक बार और रेल लाइन क्रॉस करते हुए हम आगे बढ़े। यहाँ से राइट टर्न लेना है। या पाची लेने से पहले मैंने यामाहा FZS की टेस्ट ड्राइव ली थी, लेकिन मुझे उसका पावर थोड़ा कम लगा। और एक पल्सर 150 cc की भी मैंने टेस्ट ड्राइव ली थी, उसका पावर ठीक ठाक था, मुझे लगा ठीक ठाक है। लेकिन पल्सर बाइक का लुक कंपनी ने अपडेट नहीं किया, इसीलिए मैंने अपाची ले ली। हीरो एक्सट्रीम आ रहा है, एकदम निकल गया। और ये मेरा पहला मोटो ब्लॉगिंग है। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट, और मिलते हैं इसी अगले वीडियो में।